हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त अपने और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा गेम में चलते हैं और आगे का गेम कंटिन्यू करते हैं। ये होगा एपिसोड नंबर 13। अगर आपको करियर मोड सीरीज के जो पिछले एपिसोड है वो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लग रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले आगे भी जो भी सारे वीडियोस होंगे मेरे चैनल पर उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का मैच है डोंबिवली जो कि हमारी टीम है और मनु क्लब 11 और हमारे होम ग्राउंड पर होने जा रही है। इस वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी होने वाली है उसको प्लीज रेट कीजिए। कोई अगर मेरा जो वीडियो रेगुलरली देख रहा है वो प्लीज इस वीडियो क्वालिटी को रेट करना, क्योंकि हमने आज एक नया माइक परचेज किया हुआ है और ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि अगर आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी या ना लगी हो। मैं भूल गया एक चीज करना, मैं वो कर लूँ, थोड़ा ऑडियो सेटिंग्स गड़बड़ा गई है कि मैं गेम खेल रहा था ऐसे ही, तो मैंने ऑडियो सेटिंग्स को बहुत ज्यादा हाई कर लिया था, तो अब मेरे को वो ऑडियो सेटिंग्स को लो करना है। थोड़ा 30 से भी कम रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में मेरा कमेंट्री छोड़ के गेम का कमेंट्री बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देता है, उसके बीच में बहुत बार मिक्स हो जाता है मेरा आवाज़, तो मेरा आवाज़ ठीक से आता नहीं है। तो इसके लिए आज हम गेम की कमेंट्री वॉल्यूम 30 के जगह 25 कर देते हैं, देखते क्या चेंज होता है। नया माइक्रोफोन लिया है तो थोड़ी ऑडियो क्वालिटी भी आपको इम्प्रूव मिलेगी, नॉइज रिडक्शन मिलेगा। अगर आपको चाहिए एक अनबॉक्सिंग मेरे नए माइक्रोफोन की जो कि है मनाव AU100, बहुत सस्ते में माइक्रोफोन मिलता है, अगर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं अपने चैनल पर उसको डाल दूंगा अनबॉक्सिंग वीडियो को। और अगर आपको टिप्स चाहिए, आप एक स्ट्रीमर हो और आपको टिप्स चाहिए कि माइक्रोफोन की आवाज़ को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ का एक अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं एक बुक निकाल कर वो वीडियो भी मेरे चैनल पर डाल दूंगा ताकि स्ट्रीमर जो मेरे स्ट्रीमर भाई या बहन लोग हैं उनको हेल्प हो जाए अपने माइक्रोफोन की आवाज़ को रिड्यूस करने में। तो हेड मनु 11 ने कॉल किया हुआ है और टेल जाया एक बार फिर, हमारा कैप्टन टॉस जीत चुका है, देखते हैं क्या लेता है टॉस जीतने के बाद। बैटिंग लिए चलो बढ़िया है, अगर हमारा टीम आज अच्छा परफॉर्म कर लेता है मेरे को आने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बहुत बढ़िया होगा, और काफ़ी अच्छा तक टीम ने स्कोर किया है लेकिन बहुत ओवर्स भी खा लिए हैं। तो ये बहुत बढ़िया शॉट और ये जाएगा सीधा ग्राउंड के बाहर पहले सिक्स के लिए। ये बहुत कम स्कोर किया है हमारी टीम ने, तो थोड़ा रन रेट बढ़ाने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ट्राई करते हैं कि रन रेट बढ़ जाए थोड़ी सी, देखते वाइड होना चाहिए बॉल मेरे हिसाब से, देखते रहे अंपायर ने वाइड दिया है, बहुत बढ़िया। तो गाइस बताना अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देती है या नहीं, मैंने बहुत सारे सेटिंग्स किए हुए ताकि बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन हो जाए, पूरी तरीके से बैकग्राउंड नॉइज चली जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉइज आती है थोड़ी भी तो आप मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगा कि वो नॉइज को भी हम रिड्यूस कर सके, आना तो नहीं चाहिए। और ये दूसरा छक्का स्ट्रेट अवे, नॉइज आना तो नहीं चाहिए बैकग्राउंड से कोई भी, बिकॉज बैकग्राउंड पूरा नॉइज मैंने बंद कर दिया है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो इनका कभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, सब धोखा दे के जाए। तो बताइएगा जरूर अगर किसी ने पूरी टीम देखी होगी, पूरा वीडियो देखा होगा मेरा ये, और बोल्ड एक बार फिर हम आउट ऑफ फॉर्म, 5 बॉल 2 सिक्सेस 12 रन हर बॉल मारने के चक्कर में गए थे हम और उसी चक्कर में हम लोग आउट हो गए। अब बॉलिंग में तो कुछ काम कर सके वैसे ट्राई करेंगे, फील तो सही लग रही है मुझे, चलिए इस फील के साथ पहले तो बॉलिंग करने ट्राई करते,
कट किया लेकिन पीछे फील्डर रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, एक रन आएगा। ठाकुर और फरहात और ठाकुर के भाई एम ठाकुर, फरहात फिर एक बार कट कर दिया। हाउ वाज दैट? शायद ऑफ टर्म के बाहर जाता होगा, फिर भी हम लोग रिप्ले देखते एक बार कि क्या प्रॉब्लम हुई, आउट क्यों नहीं दिया गया। पिच तो इन लाइन था लेकिन जैसे कि मैंने बोला आउटकम के बाहर चले जाती बॉल, क्योंकि मैंने लाइन भी वही पकड़ी थी डालने के लिए। ठीक और सिंगल आते हुए यहाँ पर, 5 गेंदों पर 4 रन दे चुके हैं हम। बढ़िया शॉट लेकिन कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, 14 ओवर में 38 रन पे 3 विकेट। क्या लगता है चैट, हमारी टीम आज जीत पाएगी या नहीं? सबसे बड़ी बात, क्या हमारा बॉलर विकेट ले पाएगा, यानी हम विकेट ले पाएंगे या नहीं? बैटिंग में तो कुछ खास नहीं कर पाए, तो 6 मार के हम आउट हो गए। बढ़िया बॉलिंग अब तक, तो बढ़िया बॉल चल रही है। कैच एट, लेकिन एज एज लग के सीधे हाथ में, सिंगल ही आएगा फिर भी। ठीक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को मुझे बॉलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत बढ़िया बॉल, 2 रन आए थे 6 ओवर के भी, लेकिन विकेट चाहिए हमें जो ना मिल रहे हैं। विकेट अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। बढ़िया ड्राइव लेकिन कोई रन। नेक्स्ट ओके, ड्राइव ही है, करवाइए सर से ड्राइव करवाई जाए थोड़ी। सर ड्राइव कीजिए प्लीज, आपको आमंत्रण। क्या हुआ दैट? ठीक गाइस, मेरा वॉइस थोड़ा सा खुरदुरा आता होगा आपको, बिकॉज मुझे सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो गए, तो प्लीज मैनेज कर लेना। लेकिन आपके लिए वीडियो लाना नहीं रुकेगा, मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, चाहे मेरी हेल्थ कैसे भी हो। एज और ये चली गई बाउंड्री के लिए, किस्मत ओपी भाई, इसको तो कुछ ना कर सकते हम। बढ़िया बॉल, एक और बढ़िया बॉल, सिंगल आएगा लेकिन ओ बढ़िया बॉलिंग हो रही है हमारी आज, बस एक चीज की कमी है, वो कमी पूरी हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, और वो है विकेट की कमी। हम अपने चौथे ओवर में चल रहे हैं लेकिन चौथे ओवर में हमने 10 रन सिर्फ 10 ही दिए अब तक। अगर इस पे विकेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट और बाउंड्री।
इसको बोलते हैं अपनी ही नजर खुद के ही बॉलर पे लगना। अच्छी बॉलिंग कर रहे, इसके पहले ही बोला और इसके बाद बाउंड्री खाली। और बॉलिंग एक बार एज लग जाए यार, क्या प्रॉब्लम है एज लगने में? अब ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहा हूं। वो बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा सिंगल के लिए। ओ एज लगी फिर से एक बार और सिंगल आएगा। छह आ चुके इस ओवर में, 4 ओवर में 16 रन दे चुके हम अब तक। विकेट कोई नहीं, विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत। इमरान भाई विकेट लेके लेके निकलते जा रहे आगे, मैन ऑफ द मैच लेने के लिए फिर से एक बार। बढ़िया ड्राइव। ओ भाई सिंगल, क्या हमें विकेट मिल पाएगी? बढ़िया शॉट, सिंगल मिलेगा एक बार फिर से। ओ कट करने के चक्कर में दूसरी या तीसरी बार बॉल बीट हुई है, लेकिन एक भी बार हमारी बॉल जाके स्टंप पे नहीं लगी या फिर हेज नहीं लगी इस बॉल को, क्या आउट हो जाए। बढ़िया शॉट क्लिक कर दिया सिंगल के लिए। 4 बॉल 3 रन आ चुके अब तक हमारे ओवर में। और सिंगल आते हुए यहाँ पर लग बॉल, लकी से सिंगल आया, 5 रन आए इस ओवर से भी। 5 ओवर के बाद 21 रन दिए हमने अब तक। तो भाई इमरान भाई और आनंद भाई पूरे लगे पड़े विकेट लेने में और हमें एक विकेट नहीं मिल पा रही अब तक, कब से हम बॉलिंग किए जा रहे हैं। हाउ वाज दैट? मुझे छोड़ के बाकी सब अपील करने लग गए। अंपायर को भी लगा कि ये नॉट आउट है, इसलिए मैं अपील नहीं कर रहा, लेकिन मैंने तो यहाँ से अपील की थी। ड्राइव, अरे यार ये क्या फील्डिंग है यार। तो फील्ड कैसे चेंज हो गई अपने आप? कट किया और सीधे हाथ में। अगर ये बॉल पीछू चली गई कट लग के सीधे अच्छे से, तो भाई बाउंड्री, ओ बाउंड्री जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल तो हमें विकेट की जरूरत है जो हमें मिल नहीं। और आज फाइनली एक विकेट मिलते हुए हमें बहुत बढ़िया बॉलिंग का ये फल मिला हमें। आखिरकार बाहर डालते रहे डालते रहे डालते रहे, आखिरकार हमें एक विकेट मिली। ट्राई करते इनके भी साथ यही चीज करने का, बाहर 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 डालते रहे कि शायद एड लग जाए। टेस्ट मैच वाली लेंथ डालते रहेंगे इनको भी हम। ओए ओए फिर से अरे हुक पुल भाई क्या कर रहा है? ऑफ पे क्यों मारने दे रहा है? बाउंड्री खाली ना फालतू में।
फिर कट कर दिया। चलो एटलीस्ट ये बात अच्छी है कि हम विकेट लेस नहीं जाएंगे आज के दिन, तो बढ़िया छक्के लगाए उसके बाद आउट हो गए। तो यहाँ पर हमको एक विकेट भी मिल चुकी है, 7 ओवर 30 रन और 1 विकेट मिली। अगर एक या 2 विकेट और मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। ओए अरे बढ़िया शॉट और बाउंड्री। चलो ये बार बार अपने हिसाब से चेंज भी हो जाता है फील्ड। बढ़िया बॉल, कोई रन नहीं। चलो एट ओवर 34 रन एंड 1 विकेट, आखिरी मौका और पावर प्ले, आखिरी मौका है ये हमारे पास विकेट लेने का। अगर यहाँ पर विकेट नहीं मिली तो कोई और फटाक से लेके चला जाएगा। ओए गुड बॉलिंग बॉय। That is the thing that we are not getting currently, the better reward for a good bowling, unfortunately. Hopefully we get one more wicket to finish the tally. Come on boy. Oh, very good shot. Instead of getting wicket, हमको मिल रहे हैं boundary. यानी ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो रही है। और ड्राइव अच्छा खासा लेकिन कोई रन नहीं था, थैंक गॉड। अरे यार ओवर की समाप्ति 112/9 और खत्म, हमें विकेट नहीं मिली। मैन ऑफ द मैच और कोई नहीं हो सकता इमरान के अलावा, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी विकेट ली। तो चलिए गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफी है। हमारी टीम जीत चुकी है ये जोनल गेम, क्लब गेम। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में करियर मोड सीरीज के लिए, तब तक के लिए सायोनारा।